मीन्स मेथड्स और टेक्निक्स कि मैं कैसे करूं इंप्रूवमेंट, क्या तरीका अपना के मैं इंप्रूवमेंट करूं। पहला है डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट में डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में आपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, स्काउटिंग, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट्स, मैन एग्जिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट आर यू डायरेक्ट, सबको ही जानता है, सबको जानता है। तो क्या होता है ये स्काउटिंग, क्या होता है मैन एग्जिस्ट, स्काउटिंग क्या होता है भेज रहे हो या ट्रेनिंग या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, ये होता है स्काउटिंग। जब आप या मेरे को जो ऑर्गेनाइजेशन है मुझे भेजा कि जाके आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, किसी इंस्टीट्यूशन में जाओ या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जाओ और वहां से रिक्रूट करके लाओ, मैं गया रिक्रूट करके लाया, इसको कहते हैं स्काउटिंग। ये मेथड्स है, ये टेक्निक्स है, वो सारी चीजें जो सोर्सेस है इसमें फॉल करेंगी। अभी आप बताओ कि दोनों में अंतर क्या है। नेक्स्ट क्या है, मैंने बोला माइंड एक्टिविस्ट, ये क्या होता है जो फियर्स है, मतलब मैं आज यहाँ पे लगाया हूँ कि हाँ जो जो जिसको जिसको आना है रिक्रूटमेंट हो रही है, यहाँ पे मैं लगा, कल को जाके उत्तम नगर में लगाया, परसों सरोजनी नगर में, ऐसे ऐसे मैं लगा रहा हूँ अलग अलग मूवेबल, आज यहाँ कल वहाँ, इसको क्या कहते हैं दोनों, ये दोनों के दोनों डायरेक्ट मेथड के पार्ट हैं, मतलब डायरेक्टली मैं एम्प्लॉई को हायर कर रहा हूँ जाके। दोनों में समझ आ रहा है, पहला डायरेक्ट मेथड, दो स्काउटिंग में आप लोग वर्कर्स हो, मुझे भेजा गया रिक्रूट करने क्योंकि आप जीटीए में पढ़ाई कर रहे हो, तो मुझे भेजा गया कि जाके जीटीए में रिक्रूटमेंट करना है, तो मैं आया किसी कंपनी के थ्रू और मैं आप यहाँ पे खड़ा होके यहाँ पे दो चार लोगों का जिसको जितने चाहिए मुझे अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस मैंने रिक्रूट कर लिया, तो ये क्या है, ये है स्काउटिंग। समझ आ रहा है, मैं डायरेक्टली आके और आपको एक इंस्टीट्यूशन से रिक्रूट करके ले जा रहा हूँ, तो इस तरह के जब भी काम होते हैं तो उसको हम कहते हैं स्काउटिंग।